नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सर। त्रिशूली नदी में खसिक बेपत्ता भेल पूर्व गृह मंत्री घिमरे के अवस्था अखनो अज्ञात। खोजी काज जारी। घिमरे के खोजी करब प्रधानमंत्री के निर्देशन। जनकपुर में उच्च अदालत स्थापना से जनकपुर प्रदेश के राजधानी होब के संकेत रहल। गृहमंत्री निधि के दावी। आ सीरिया में रूस के ने कार्रवाई अभियान। विद्रोही से बेसी बर्बरता रहल अमेरिका के कहब। पूर्व मुख्य सचिव तथा गृहमंत्री माधव प्रसाद घिमरे परिवार सहित चढ़ल गाड़ी रवि दिन बेरिया में पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत चितवन के दारे चौक 3 से त्रिशूली में खसला के बाद 3 गोटे के मृत्यु भेल। घिमरे सहित 3 गोटे बेपत्ता से हुए। 7 गोटे सवार गाड़ी बेरिया में 4:30 बजे मुगलिन आ मनकामना बीच घोपटे भीड़ से करीब 150 मीटर नीचा त्रिशूली में खसल। कोरिंटार स्थित विपद व्यवस्थापन तालीम केन्द्र जनौलक। तालीम केन्द्र के सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक केशव गणेश बहादुर थापा के अनुसार साँच अबेर गंभीर अवस्था में उद्धार कैल गेल। 3 गोटे के इलाजक लेल लजायत काल बाटे में मृत्यु भेल। त्रिशूली नदी में जीप खसिक बेपत्ता भेल पूर्व गृहमंत्री माधव प्रसाद घिमरे सहित हुनकर भाई सबके खोजी काज जारी राखल गेल। जीप पूर्ण रूप में नदी में डूबला के कारण से खोजी काज में कठिनाई भ रहल प्रहरी के कहब। रवि दिन राति 1 बजे धरि दुर्घटना भेल स्थान में गाड़ी के खोजी कैल गेल छल। मैग्नेट के सेहो प्रयोग क जीप खोजल गेल होइतो नहि भेटल। चितवन के प्रहरी प्रमुख बसंत कुंवर बतौलन प्रहरी 2 टोली बना कर मुगलिन दिस खोज के शुरू केने अछि। नदी में पानी के बहाव उच्च भेला के कारण से दुर्घटनास्थल से नीचा खोजी काज शुरू कैल गेल। प्रहरी जनौलक अछि घटनास्थल में घिमरे के माय 80 वर्षक चैतन्य कुमारी घिमरे, अंगरक्षक रामचंद्र कार्की आ परिवारजन के नारायण प्रसाद काफले के शव भेटल। विपद व्यवस्थापन तालीम केन्द्र कोरिंटार के प्रवक्ता SP गणेश बहादुर थापा जानकारी दिलत। हुनका अनुसार गाड़ी चालक विष्णु राय के जीवित उद्धार कैल गेल। बीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल पूर्व गृहमंत्री माधव प्रसाद घिमरे के त्रिशूली नदी में जीप खसिक बेपत्ता भेल घटना से अपने स्तब्ध भेल बतौने छथि। प्रधानमंत्री दहाल ट्विटर मार्फत घिमरे के सवारी दुर्घटना में पड़ल खबर प्रति स्तब्ध भेल कहित खोजी के लेल प्रशासन के निर्देशन देने हुनकर उप स्वीकीय सचिव मनहरी तिमिल सेना जानकारी देने छथि। त्रिशूली नदी में बेपत्ता घिमरे सहित 3 गोटे के खोजी कर सब संयंत्र परिचालन कर सेहो प्रधानमंत्री दहाल निर्देशन देने छथि। उप प्रधान एवं गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि जनकपुर में उच्च अदालत स्थापना से जनकपुर प्रदेश के राजधानी होब सकक के संकेत रहल बतौलन। धनसा के कपिलेश्वर में रवि दिन प्रहरी चौकी भवन उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री निधि ई बात बतौलन। यद्यपि जनकपुरवासी निश्चिंत भक बैसर नहीं चाहे से हो कहलत। मंत्री निधि जनकपुर के भावी राजधानी बनाबे के लेल जनकपुर में उच्च अदालत राखल गेल स्पष्ट कलन। मुदा राजनीति में किछो भ सकत है ताहि लेल जनकपुरवासी के अपन अपन तरीका से सब पक्ष ऊपर दबाव बनाब आ लॉबिंग कर जरूरी रहल बतौलन। मंत्री निधि जनकपुर के राजधानी बनाब आवश्यक पड़े वाला सड़क होटल भवन सबके लेल सेहो संबंधित निकाय के पहल करब पड़त आ जनकपुरवासी सेहो अय के लेल सकारात्मक कदम उठाब जरूरी रहल बतौलन। ओ संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में दर्ता कर के काज अंतिम चरण में रहल सेहो बतौलन। मंत्री निधि संशोधन बिना चुनाव असंभव रहला से प्रक्रिया पहुँचा कर देश के अनिर्णय के बंदी होब से जोगाब सब दल के पहल करब पड़त सेहो बतौलन। 16 महीना में 3 तरह के निर्वाचन कर सहज नहीं हैत कहित निधि अखनो संशोधन होब नहीं दिल गेल त संविधान कानून होब नहीं सकत बतौलन। ओ संविधान संशोधन के लिए MLA के सेहो सभा सहमति में आओ तय में अपने विश्वस्त रहल बतौने छथि। उप प्रधान तथा गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि प्रदेश नंबर 2 के सरकारी कामकाज के भाषा नेपाली के बाद मैथिली हैत बतौलन। जनकपुर में रवि दिन मैथिली विकास कोष के कार्यक्रम में मंत्री निधि ई बात बतौलन। जनसंख्या के आधार में मैथिली भाषा नेपाल की दोसर आ प्रदेश नंबर 2 के पहिल भाषा रहला से मैथिली सरकारी कामकाज के भाषा बनत ताहि में दू मत नहीं रहल बतौलन। मंत्री निधि अय के लिए दबाव देव सेहो ई प्रदेश के जनता से आग्रह कलत। वो प्रदेश नंबर 2 में मैथिली भाषा के आधिकारिक भाषा के रूप में लागू कराब अपने प्रयास करब सेहो आश्वासन दिलत। मंत्री निधि नया संविधान अनुसार नेपाल में बाजे वाला सब राष्ट्रीय भाषा रहल बात के जानकारी सब में नहीं भेला के बाद समस्या आबि रहल सेहो बतौलन। दोसर प्रसंग में मंत्री निधि अपने हिंदी भाषा के राष्ट्रीय भाषा बनाब जका संविधान संशोधन के बाद कहियो कतो नहीं बजने स्पष्ट केने छथि। कार्यक्रम में कोष धोती आ दोसला से मंत्री निधि के सम्मान केने छल। ओहि क्रम में मंत्री निधि प्राध्यापक डॉक्टर राम अवतार यादव से लिखित मैथिली आलेख संचयन आ दिगंबर झा दिनमणि से लिखित सतंजा नामक गीति संग्रह विमोचन केने छलथि। कार्यक्रम में गीतकार झा मैथिली गीत से मनोरंजन सेहो प्रस्तुत केने छलथि।
धनसा के जनकपुर स्थित बस पार्क नजदीक में ट्रिपर के ठक्कर से एक गोटे मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेलाई छ। दुर्घटना में पड़ कर महतारी मठियानी वार्ड नंबर 3 के पप्पू महतो के मृत्यु भेलाई छ। रेप के बेरिया में बस पार्क नजदीक B3X5375 नंबर के ट्रिपर से महतो के ठक्कर लागल छल। प्रहरी ट्रिपर आ चालक प्रमोद यादव के नियंत्रण में लेने आई छ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल सरकार के सचिव सब के राष्ट्रीय गौरव के योजना आ जनता संग प्रत्यक्ष सरकार रहल काम तीव्रता के संग आगू बढ़ावा निर्देशन देने छथि। रवि के बेरिया में विभिन्न मंत्रालय के सचिव सब के मंत्री परिषद कार्यालय में बसाकर प्रधानमंत्री दाहाल महत्वपूर्ण आयोजना के काज परिणाम निकल जका सम्पन्न कर निर्देशन दिलन। प्रधानमंत्री दाहाल आयोजना सबके अब अनावश्यक लंबा कर के प्रतिस्पर्धा छोड़ कर जल्दी से सम्पन्न कर के प्रतिस्पर्धा कर निर्देशन दिलथ। काज के अनुगमन कोनो समय में अपनो कर सक के भेला से कार्य योजना मुताबिक काज आगू बढ़ावा से ओ सहभागी सचिव सबके निर्देशन दिलथ। सचिव सबके ब्रीफिंग के बाद सलफल में विकास निर्माण संघ जोड़ल गेल। मंत्रालय के सचिव सब प्राथमिकता के संग काज कर वाला काम सबके सूची बनाकर प्रधानमंत्री दाहाल के सुनौने छल। वो सब भूकंप बाद के पुनर्निर्माण पहल प्राथमिकता में राखल गेल से जानकारी करौने छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की से भेट कर सबटा बात मिलौने कहने संबंध में सदन के स्पष्ट जानकारी कराव आ सांसद सब सरकार के ध्यान आकर्षण करौल कह प्रस्ताविका संसद के रवि दिनक बैसार में बजट सांसद सब आयोग प्रमुख आयुक्त कार के नियुक्ति के फाइल हेरनाए भेटनाए आ प्रधानमंत्री स्वयं भेट का बात मिलौने कह के समाचार विषय में सरकार संग यथार्थ जानकारी मांगने आई। सरकार के संवैधानिक निकाय बीच वाक युद्ध चलनाई से नकारात्मक संदेश देने कह तो विषय में गंभीर बन सो वो सब सरकार के ध्यान आकर्षण करौल कह। नेपाली कांग्रेसक सांसद रामहरि खतिवड़ा प्रधानमंत्री अख्तियार प्रमुख के भेट कर सबटा बात मिलौने कहने संबंध में स्पष्ट कर आग्रह कलथ। तहिना का एमाले सांसद पशुपति चौरागाई रेवती रमन भंडारी लगाये सब से संवैधानिक निकाय बीच के वाक युद्ध चलनाई निक नहीं रहल कहे तो विषय में सरकार के स्पष्ट जवाब मांग के नहीं आई। सर्वोच्च अदालत तत्कालीन अवस्था में की आधार में लोकमान सिंह कार्की के नियुक्ति कैल गेल छल से आधार से प्रस्तुत कर सरकार के निर्देशन देने छल। सर्वोच्च के निर्देशन के जवाब में नियुक्ति के फाइल हेरा गेल कहल गेल में किस समय के बाद फिर से भेट गेल कहल गेल है। संगे पिछला समय सरकार सर्वोच्च आ अख्तियार बीच के त्रिपक्षीय वाक युद्ध के बीच प्रधानमंत्री दाहाल आकार के बीच के भेट से इस विषय के थप रहस्यमय बनौने आई। आब इंटरनेशनल न्यूज। सीरिया में रूस के ने कार्रवाई अभियान के अमेरिका बर्बरता के संज्ञा दिलक। रूस सीरिया में कर रहा कार्रवाई अभियान विद्रोही विरुद्ध से बेसी बर्बरता रहा बतौल। सीरिया में भर रहा युद्ध के विषय में छलफल कर बैसल संयुक्त राष्ट्र संघक आकस्मिक बैसार में राष्ट्र संघक लेल अमेरिकी राजदूत समंथ पावर विद्रोही के नियंत्रण में रहा एलेप्पो के पूर्वी क्षेत्र में रूसी तथा सीरियाई सेना हवाई तथा स्थल आक्रमण कर रहा आ वैसे बर्बरता के रूप लेने बतौलन। दू दिन भीतर में 150 से बेसी हवाई आक्रमण भेल पावर बतौलन। जवाब में राष्ट्र संघक लेल रूसी राजदूत विटाली चरकन सीरिया में शांति बहाल कर लगभग असंभव रहल बतौलन। विद्रोही गुट अखन लागू भेल युद्ध विराम तोड़ने हुनकर आरोप छन। बैसार में रूसी प्रतिनिधि अपन सरकार एलेप्पो में फिर से नियंत्रण कायम करत बतौल कह। बेलायत फ्रांस तथा अमेरिका एलेप्पो के बिगड़े जा रहा अवस्था के विषय में छलफल कर सुरक्षा परिषदक आकस्मिक बैसार बजाव आग्रह के अनुसार परिषद के बैसार बैसल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। सातम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के क्याकुशिन बुदोकाई कराते में धनसा से प्रतिस्पर्धा के लिए 5 गोटे खिलाड़ी छनौट भेल। जनकपुर कवर्ड हॉल में क्याकुशिन बुदोकाई कराते संघ धनसा के आयोजना में रवि दिन भेल जिला स्तरीय छनौट प्रतियोगिता से विभिन्न तौल समूह में प्रतिस्पर्धा के लिए 5 गोटे खिलाड़ी के छनौट कैल गेल। छनौट भेल सब में 40 किलो नीचा के रसाराम यादव, 50 किलो नीचा में रामेश्वर मेहरा, 55 किलो नीचा के बालगेश्वर यादव आ 60 किलो नीचा के ब्रह्मदेव यादव धनसा से प्रतिस्पर्धा कर। तहिना का खुला किलो दिस के दिस रोशन कुमार शाह छनौट भेल। संघक धनसा अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव बतौलन। अपन न्यूज अखन के लिए रखबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।